है, इतनी यूनिटी है, उन सब के चेहरे खिले हुए हैं। यहाँ आते हैं तो उनका चेहरा डबल खिल जाता है। घर में भी अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ आने से, वायुमंडल के अंदर बैठने से सारी थकान जो है वो दूर हो जाती है। कि हम समझते हैं माताएं बहनें घर की जिम्मेवारी बहुत संभालती हैं, बच्चों को भी संभालना, घर का भी करना, और बड़े जो हैं सास ससुर का करना, पति देव है उनका करना, सबको संतुष्ट करना, ये एक महिला ही कर सकती है। वो खूबी पाठ बजाते हैं और इतना व्यस्त होते हुए भी यहाँ के लिए भी समय निकालते हैं, तो हम समझते हैं ये भी उनकी बहुत बड़ी महानता है। तो वो समझते हैं कि हमारे बैटरी को चार्ज करने का स्थान जो है वो पावर हाउस है, वो यहीं पर ही है, क्योंकि यहाँ परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, सृष्टि का रचयिता है, करण करावनहार है, वो डायरेक्ट आकर के यहाँ पर शिक्षक बन के अपनी शिक्षाएं हमको देते हैं। ये अनुकंपा है परमात्मा की कि हम बच्चों के ऊपर वो कृपा कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं और वरदानों से हम सबकी झोली भर रहे हैं। तो बहुत खुशकिस्मत है वो आत्माएं जो इतने व्यस्त कार्यक्रम से भी समय निकाल करके यहाँ एक घंटा प्रतिदिन आती हैं। तो मुझे भी अवसर रहता है यहाँ आने का, सप्ताह में दो बार आता हूँ। तो बहुत सारी बहनें यहाँ पर आती हैं, प्रतिदिन सुबह को आती हैं, शाम को आती हैं, और उनका जीवन मैंने देखा बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है। वो अपने जीवन से संतुष्ट हैं, परिवार से संतुष्ट हैं।